नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में बुलाई गई किसानों की ओर से भारत बंद का बड़ा असर रेलवे संचालन पर देखने को मिल रहा है। किसानों के द्वारा बुलाए गए भारत बंद आंदोलन की वजह से रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ कई राज्यों के किसान नवम्बर से प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन पहले से थोड़ा थम गया है, हालांकि किसान संगठनों ने प्रदर्शन का अलग अलग तरीका निकाला है। शुक्रवार यानी 26 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों का प्रदर्शन बंद के तहत जारी है। पंजाब हरियाणा में रेल सेवाएं ठप हो गई हैं। राजधानी दिल्ली के आसपास कई इलाकों में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी यह भी मिली है कि किसानों ने गाजीपुर के पास NH9 बंद किया है। बीच में पुलिस ने ये रास्ता खोला था। किसानों के रास्ते बंद करने के बाद पुलिस ने भी बैरिकेड लगा दिए हैं। किसान नेताओं ने कहा कि किसान संगठन आंदोलन और तेज करेंगे और सरकार को कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। किसान नेता बोले कि उन्हें सभी यूनियनों का सहयोग मिल रहा है, अगर कृषि कानून वापस नहीं लिए गए तो पूरे देश को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर देंगे। बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन के साथ किसान ट्रैक पर बैठे हैं। असोदा स्टेशन पर EMU ट्रेन और नागलोई में गोरधाम एक्सप्रेस रोकी गई है। संयुक्त किसान मोर्चे का भारत बंद आज शाम 6 बजे तक चलेगा। आम लोगों से किसान नेताओं ने सहयोग की अपील की है। बाजार बंद का भी आह्वान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि न्यूज़।